हेलो दोस्तों, आप स्ट्रेंज इंग्लिश वर्ड का पार्ट 3 देख रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जिन्हें अगर आप पहली बार देखें तो आपको संशय होगा कि वाकई में ये शब्द क्या इंग्लिश डिक्शनरी में है। दोस्तों, इसके पहले इस सीरीज़ के दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले शब्द के साथ। आज का पहला शब्द है मो, MOW, जिसका मीनिंग होता है घास काटना। घास काटने के लिए हम कट दी ग्रास यूज़ करते हैं। आप उसके जगह डायरेक्ट मो यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है बिलाई, BELIE, यानि मिथ्या साबित करना या गलत साबित करना या फिर असत्य साबित करना। जैसे कि हमारे इतिहास में विद्वान बहुत से तथ्यों को मिथ्या साबित कर देते थे, ये शब्द उसी के लिए यूज़ होता है। अगला शब्द है क्वासी, QUASI, जिसका मीनिंग होता है नाम मात्र का या लगभग। तो इसको समझने के लिए हम तराजू का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तराजू के दोनों तरफ के जो तोल रहते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते पर लगभग बराबर होते हैं, तो उसे हम क्वासी स्टेबल कह सकते हैं, यानी लगभग बराबर। अगला शब्द है चर्न, CHURN, जिसका मीनिंग होता है मथना या मक्खन निकालना। उसके बाद अगला शब्द है ट्रॉट, TROT, यानि छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ना। दोस्तों, ओलंपिक और दूसरे स्पोर्ट्स में या एशियन गेम्स में एक तरीके की रेस होती है जिसमें धावक छोटे छोटे कदम लेकर दौड़ते हैं, तो उससे आप इस शब्द को याद रखिएगा, ट्रॉट। अगला शब्द है लर्क, LURK, जिसका मीनिंग होता है छिपना। और उसके बाद अगला शब्द है मर्क, MURK, यानी कि अंधेरा। तो पिछला शब्द और लर्क और इस शब्द मर्क को मिलाकर हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, लर्क इन दी मर्क, यानी कि अंधेरे में छिपना। अगला शब्द है हेल्म, HELM, जिसका मीनिंग होता है पतवार, जी हाँ, जो नाव को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला शब्द है गेल, GALE, जिसका मीनिंग होता है आंधी या जोखा। दोस्तों, इस शब्द को आप क्रिस गेल के नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कि क्रिस गेल ग्राउंड पर आते हैं और आंधी की तरह वो बैटिंग करते हैं, तो उस तरह से आप इस शब्द को याद रख लीजिए, गेल ब्रिंग्स गेल। अगला शब्द है सुएव, SUAVE, जिसका मीनिंग होता है सभ्य या सौम्य। एक सिग्नेचर परफ्यूम आता है, ये उसका एक फ्लेवर है, तो उसको आप वहाँ से याद रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।